हेलो दोस्तों, आज हम बात करना है योग्यता परिषद भर्ती परीक्षा लीक को लेकर। तो आयोग के कर्मचारी ही ने यहाँ पर जो है पेपर की जो फोटो कॉपी है सबको बांट दी है। तो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर की गई है एसटीएफ के द्वारा, और यहाँ पर जो है एक और नया आरोपी पकड़ा गया है। 33 लोग अब तक गिरफ्तार कर दिए जा चुके हैं, और फोटो स्टेट की जो कॉपी है वो यहाँ पर कर्मचारी जो आयोग का कर्मचारी था उसने यहाँ पर कई लोगों को बांटा है। तो देखते हैं वो योग्यता परिषद भर्ती कांड में आयोग का कर्मचारी गिरफ्तार। तो यहाँ पर प्रश्न पत्र की फोटो कॉपी कर जो है पत्नी को बांटा है और कई लोगों को। देखते हैं यहाँ पर प्रश्न पत्र की जो फोटो कॉपी है वो पत्नी को बांटा और कई लोगों को और भी फोटो स्टेट करके बांट दिया है। योग्यता परिषद भर्ती कांड में जो है आयोग का कर्मचारी गिरफ्तार। तो यहाँ पर एक और नई गिरफ्तारी जो कि यहाँ पर आयोग का कर्मचारी निकला है, और प्रश्न पत्र की जो फोटो कॉपी है वो पत्नी को कराया चयन। तो यहाँ पर देखते हैं पत्नी का जो है वीडियो में सिलेक्शन कराया गया है, और वो यहाँ पर जो है फोटो कॉपी देकर यहाँ पर नकल करवाई है। बता दें यहाँ पर कहा गया कि योग्यता परीक्षा पेपर लीक मामले में जो है एसटीएफ द्वारा उत्तराखंड का एक और गिरफ्तार यहाँ पर हो चुके हैं। इसमें यहाँ पर योग्यता परीक्षा के पीआरडी कर्मचारी संजय राणा, जो कि यहाँ पर पुत्र हयात सिंह राणा निवासी जो कि भीमलतला जिला चमोली का, गिरफ्तार कर दिया गया है। हम और मामले में 33 गिरफ्तारी हो चुकी हैं। तो यहाँ पर देखते हैं पीआरडी जवान के रूप में जो है योग्यता परीक्षा में काम करता था, और उसने यहाँ पर जो है वहाँ से पेपर लीक करके, मतलब किसी और ने किया होगा या कैसे मिलकर करा होगा, तो फोटो स्टेट उसके पास पकड़े थे और सबूत भी पकड़े गए हैं, और कई लोगों को फोटो स्टेट के जो पेपर थे वो बांटे गए हैं। तो यहाँ पर इस तरह का मामला चला हुआ है, तो संगीन मामला है। देख सकते हैं पर किस तरह का पेपर हो रखा है, और ना जाने फोटो स्टेट किस किस को दिए होंगे उसका खुलासा भी होना बाकी रह गया है। तो देख सकते हैं भर्ती मामले में काफ़ी बड़ा घोटाला यहाँ पर हुआ है अभी।